अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब इस देश में मुसलमान कुछ भी कह दे उसके लिए चुनौतियां, एहतजाज और जुलूस निकाले जाए, वो कुछ भी कह दे, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते की तरह मुसलमान अगर मुंह भी खोलता है तो उसके खिलाफ एहतजाज जारी हो जाता है। आज बात करते हैं स्वामी अश्वीर महाराज की, जिन्होंने आज दारुल उलूम देवबंद जाकर मौलाना अरशद मदनी के साथ बहस करने की बात कही थी। लिहाजा दरमियान से ही स्वामी यशराज महाराज वापिस आए। उन्होंने बताया कि मौलाना अरशद मदनी ने हिंदू मजहब की तौहीन की है, इनके बयान से हिंदुओं का अपमान हुआ है वगैरह। खैर, किस तरह मदरसा, मौलाना, मस्जिद, दरगाह को निशाना बनाने की रोजाना खबरें देखी सुनी जा रही है। पहले कभी कभार होती थी, अब रोजाना कई जगहों पर मजारों, कब्रों पर बिला किसी खौफ के हथौड़े फिरका परस्तों की जानिब से चलाए जा रहे। बिजनौर, गुरुग्राम, हुबली और भी कई जगहों पर अगर आप महज खबरों का जायजा लेंगे तो रोजाना किसी न किसी हादसे का शिकार मुसलमान कौम होती जा रही है। सड़क तोसी के नाम पर सरकारी महकमा के जेर निगरानी मजारों को हटाया है। खैर, आज एक और उत्तराखंड का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी से जुड़े कुछ लोग मजार को तोड़ रहे हैं। इससे एक महीना पहले भी देहरादून में 15 मजारों को आरएसएस की जानिब से तोड़ने की बात कही जा रही है। यहाँ पूछना जरूरी हो जाता है कि अगर मान भी लिया जाए कि सरकारी जमीन पर कब्जा है या मामला अदालत में है तो पुलिस, इंतजामिया या फिर सरकारी यहाँ आते हैं, नोटिस दी जाती है, एक मुस्तकिल एक उसका प्रोसीजर रहता है जिसके तहत मजारों को हटाया जाता है या फिर हटाया गया है। लेकिन अब बात और भी आगे बढ़ चुकी है। बजरंग दल या वीएचपी के लोग हथौड़े लेकर सीधे चले आते हैं और मजारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। उत्तराखंड देहरादून में भी कई मजारों को फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा कर लैंड जिहाद का इल्जाम लगाकर इसी संघी विचारधारा के लोगों ने मजारों को तोड़ दिया। जाहिर है इसके पीछे बड़ा सियासी रसूख होता है और अगर कहीं पर आवाज उठती भी है यानी कि उन फिरका परस्तों के खिलाफ, तो सियासी रसूख का इस्तेमाल कर उन्हें बाहर भी लाया जाता है ताकि फिर से वो इस तरह के कामों को अंजाम दे सके। वैसे तो मुसलमानों में अब सवाल पूछने की हिम्मत कहाँ है। लिहाजा इन धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर हथौड़ा चलाने वालों की दादागिरी बढ़ती ही जा रही है। एक और बात शिद्दत से महसूस हो रही है कि इस्लाम, मुसलमान, अल्लाह के रसूल और मुगल बादशाहों को जहां भी इन फिरका परस्तों को मौका मिलता है तो यह गाली गलौच या तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल करते हुए देखा जा रहा है। मतलब एक तरह का ट्रेंड शुरू है, ऐसा कह सकते हैं। दारुल उलूम देवबंद पर भी बारहा निशाना बनाया जा रहा है। उलमाओं में भी इख्तलाफात देखे जा रहे हैं, वो एक अलग मसला है। आज भी कुछ इल्मी माहिरीन एक दूसरे से मुकाबला करते हुए देखा जा रहा है। इस पर बहस मुनासिब नहीं समझता। अगर शुरुआत से ही अगर हम देखेंगे तो आपसे इख्तलाफात ने मिल्लत का बड़ा नुकसान किया है जिसका खामियाजा इस दौर के मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। हो सकता है अगली नस्ल भी इसका शिकार हो जाए। जब कई सारे जगहों पर मजारों को हटाने की बात देखी जा रही है तो कुछ जगहों पर खुद कुछ मुसलमान इन फिरका परस्त भाजपा या हिंदुत्व तंजीमों से मिलकर महज कुछ रुपयों की खातिर या फिर यूं समझ ले कि डर खौफ की खातिर इन जमीनों को बेचने के काम में इनकी मदद करते हुए देखा जा रहा है। उत्तराखंड में गैर कानूनी एनक्रोचमेंट के बहाने मजारों को तोड़कर इन जमीनों को बेचा जा रहा है। खैर, बात महज किसी एक रियासत की नहीं है। अगर बेलगाम शहर के अतराफ में भी आप नजर दौड़ाएंगे तो एक आध किस्सा इस तरह का मिल जाता है। हाल ही में हिंडलगांव में भी मुस्लिम कब्रस्तान की जमीन पर जेसीबी लेकर कुछ लोग पहुंचे। इनका दावा था कि जमीन एनक्रोचमेंट की गई है, जबकि 2020 में ही वक्फ ट्रिब्यूनल की जानिब से मुस्लिम कब्रस्तान की जगह होने की बात उसमें कही गई है। और बेलगाम सरकारी महकमा को डायरेक्शन भी कोर्ट की जानिब से दिया गया है, जमात का इस जमीन पर कब्जा होगा, ऐसा भी उसमें लिखा गया। जमीन कुल 4 एकड़ 12 घंटे से भी ज्यादा बताई जा रही है जिसकी तकरीबन कीमत 25 करोड़ के आसपास है, लेकिन लैंड माफिया कब्जा जमाने की कोशिश में लगा हुआ है। लिहाजा यहाँ भी कुछ अपनों का हाथ होने की बात कही जा रही है। फिलहाल चेहरे धुंधले हैं, जल्द चेहरे साफ हो जाएंगे। आखिर बिना किसी दस्तावेज के कुछ लोग अचानक कब्रिस्तान की जगह हथियाने कैसे पहुंचते हैं जेसीबी लेकर। खास तबसरा ये भी देखा जा रहा है कि नाम निहाद मुसलमानों को अब अल्लाह रसूल आखरत का डर भी नहीं रहा, अब तो भाजपा के करीब जाने की बातें हो रही हैं, तो कुछ अपना जमीर भी बेच रहे हैं। जैसा हमने इससे पहले के एक मौजू में इस बात पर तबसरा करते हुए कहा था कि भाजपा जब से आई है मुसलमानों को क्या नुकसान हुआ है, कहाँ फसादत हुए हैं, और जैसे जैसे चुनाव आएंगे अब ऐसे लोगों की तादाद भी बढ़ती जाएगी। और वैसे भी हिंदू राष्ट्र की तरफ मुल्क चल पड़ा है, आप माने या ना माने, क्योंकि भाजपा ने उस तरह की बिसात ही बिछा दी है। अब त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड जो नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हैं, भाजपा का जीतना इसे मामूली न समझा जाए, क्योंकि
यहाँ ईसाइयों की आबादी बहुत है और यहाँ अक्सर चर्च और ईसाई पादरियों पर भी इन फिरका परस्तों की जानिब से हमले किए गए हैं और हमले हो रहे हैं। इसके बावजूद भी भाजपा की जीत बहुत कुछ बयान करती है। नागालैंड को तो क्रिश्चियन स्टेट कहा जाता है। नागालैंड में 87% से भी ज्यादा ईसाई रहते, मेघालय में 74%। अब बताए तो सही कि आखिर भाजपा कैसे जीत दर्ज कर रही है। लिहाजा हिंदू राष्ट्र के खौफ से ही कुछ मुसलमान अभी से खौफजदा होते हुए भाजपा के खेमे में जाने की तयारी कर रहे ताकि जान बच जाए। बजायर भाजपा की वजह से कोई फसाद या दंगा नहीं होने की बात भी करते रहते हैं, लेकिन इसकी असल वजह इनमें फिरका परस्तों का डर बैठ गया है। अब कोई बताए तो सही कि आखिरी दौर के इन मुसलमानों को क्या कहा जाए। आखिरी दौर में आजमाइशों से गुजरना पड़ने वाला तो है, हालात तो जरूर आएंगे, साथ में जमीर फरोश लोग भी कसरत से नजर आएंगे, लेकिन यही वो वक्त है जहां मुसलमानों को साबित कदम रहना है। हर एक के पास अपनी दलीलें होंगी, हर वक्त अपने ईमान को अपने जमीर को टटोलना होगा। कहीं मैं कुछ जाति मुफाद के लिए दायर इस्लाम से बाहर तो नहीं जा रहा। बजाहिर खूबसूरत लिबास होंगे, लेकिन फजीलत भाजपा की या किसी फिरका परस्त की बयान करते हुए पाई जाएंगी। हम उस दौर का हिस्सा है जहां कदम कदम पर आपको फितनों से सामना करना पड़ेगा। हम दौर फितन के गवाह बन रहे, चारों तरफ मुनाफिकीन नजर आएंगे, अब कोई किसी का नजर नहीं आएगा। मस्जिद मदरसे कब्रस्तान में भी घोटाले दिखेंगे और दिख रहे हैं। लोग अल्लाह उसके रसूल के नाम पर धोखा देंगे, और ये तमाम बातें मेरी नहीं है बल्कि मेरे नबी की पेशिंगोइयां हैं जो आज सच हो रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि फितने बारिश के बूंदों की तरह बरसेंगे। कोई बताए तो सही कि आखिर इस दौर में अपने ईमान को कैसे बचाया जाएगा। ऐसे दौर में समझौता कर कुछ रुपया हासिल करने से अच्छा है कि जरूरतमंदी के साथ मुश्किन का मुकाबला कर अल्लाह की जान को उसके नाम पर लुटाए। दीन की खातिर मर मिटने का जज्बा ही तुम्हारे ईमान वाले होने की निशानी है। मैं जुबानी जमा खर्च नहीं बल्कि अमली तौर पर पेश करें, वरना तो सुबह शाम दुनिया के पीछे भाग कर किसी दीनी महफिल या मुजाकरों का हिस्सा होकर रो रो कर दुआएं मांगने से हालात नहीं बदलते। जब मेरे नबी ने फरमाया कि कामयाबी बदर के रास्ते से हासिल होती है, तो आप अपने सहूलतों के मुताबिक कितने ही रास्ते इख्तियार कर लो, तुम कामयाब हो नहीं सकते। तुम खुद तो नाकाम नामुराद रहोगे और दूसरों के लिए भी नाकामी का जरिया बनोगे। आजकल आसान इस्लाम के आदि हम बने हुए हैं। बेहिसाब रुपया, बंगले, आलिशान कोठियां, महंगी गाड़ियों के चमक धमक ने मुसलमानों को बुजदिल कर दिया है, और यही बुजदिली हमारे रुसवा का सबब बन गया है। अब दीनी रहबर भी दुनिया की चकाचौंध में अपने मौकूफ से हटते नजर आ रहे हैं। तभी तो जो चाहे कुछ भी बयानबाजी करता है, और इतने बड़े बड़े दीनी रहनुमा सियासी लीडर सभी खामोश है। इस दौर में अपने अंदर कलमे की हरारत को बाकी रखना आसान नहीं है। खैर, हालात सब आपके सामने हैं। सड़कों पर उतरकर कोई भी हर रोज एक नया महाराज मुसलमानों को चैलेंज करता है, और करोड़ों की तादाद की उम्मत खामोश रहती है। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, कहने वाली मिल्लत बेबस, बेसहारा और जलील हो चुकी है। रोजाना हो रही वारदातें, हालात का जायजा, खबरें आपको यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। बेलगाम शहर में कुत्तों का तसल्लुत बढ़ता ही जा रहा है। शहर में कई जगहों पर कुत्तों के हमले किए जाने की इत्तला हासिल हुई है। हाल ही में वजीर आजम के आमद पर तो रेलवे स्टेशन के करीब कुत्तों को पकड़ा गया, लेकिन शहर के तकरीबन हिस्सों में कुत्तों का कहर देखा जा रहा है। लिहाजा हुंचे नट्टी टिपू सुल्तान नगर की महज 6 साल की अरफा इन कुत्तों का शिकार बन गई। तकरीबन 20 दिन पहले कुत्तों ने अरफा मुल्ला पर हमला किया, जिसमें अरफा शदीद जख्मी हुई। उसे अस्पताल में जेर इलाज रखा गया। 20 दिन के बाद कुछ हद तक सेहत में सुधार भी आया, लेकिन घर लाने के बाद फिर हफ्ते के दरमियान तबीयत नासाज हुई, जिसमें जुमेरात को अरफा का इंतकाल हुआ। अरफा मुल्ला जैसी नन्ही बच्ची कुत्तों का शिकार हुई। वालिद तौफीक पेशे से फैब्रिकेटर है, लिहाजा इनके घर वालों पर नन्ही अरफा की मौत से सदमा पहुंचा हुआ है। आखिर इस मौत के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या कारपोरेशन, हुकूमत, कौन होगा इसका जिम्मेदार? शब के शहर के तकरीबन हिस्सों में आवाम, बूढ़े बच्चों पर कुत्तों के हमलों की वारदातें बढ़ती जा रही है। शहर के और अतराफ के कुत्तों पर कार्रवाई करनी होगी। लिहाजा आवाम की मांग है कि फिर किसी अरफा इस तरह हादसे का शिकार न हो, और अरफा के वालिद को सरकारी मुआवजा का ऐलान करे, ऐसी मांग भी की जा रही है। जिंदगी में देखो साहब, हमारे को 20 दिन हुआ, 20-25 दिन हुआ हमारे, तकरीबन ये कुत्ते की जो
रास्ते में जो फिरने कुत्ते की आबादी जो है ने इंसान से बड़को है सो है, और कौन से भी बच्चे आना जाना मुश्किल, कौन अनजान आदमी आना मुश्किल, अच्छा आदमी भी आना मुश्किल है। इसके लिए जो है ने पंचायत वाले ना कोई तालुक पंचायत वाले कोई झड़पी वाले हमारे को कोई पूछने वाला नहीं। हम जा को तुम्हें आको शिकायत करना बोलते हैं, क्या शिकायत करना समझ में नहीं आ रहा है करना है। और जो है ने उनको जो शिकायत करे थे भी आज देखेंगे लोग करेंगे, कोई आशा वर्कर आते चुप चले जाते हैं, और हमारे को ना कोई इधर कुछ भी ये हम ना कोई ये बात वो बात किसी से शिकायत नहीं। हमारे को शिकायत है ये कुत्ते जो है ने वो सुंदर नगर के इतने आयस है, वो इंसानों को तो छोड़ जानवर को तो छोड़ो इंसान को भी नहीं छोड़ रहे, और उससे पहले भी ऐसे ये जो है ना बहुत कुछ हुए हैं। आप मेहरबान की कर को इसके लिए जो है ना तवज्जो दें। ನಮ್ಮೂರೊಳಗ ನಾಯಿ ಬಾಳಾಗಿದಾವ್ ರೀ, ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ರೀ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೈತೆ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಸತ್ತೈತ್ರಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ರೀ. ನಾಯಿಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕೈತ್ರಿ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಆಗೋದನ ರೀ. ಹಾಂ, ನಾಯಿ ಕಡ್ದ ಸತ್ತೈತ್ರಿ ಹುಡುಗಿ, ಒಂದಲ್ಲ ರೀ ಎರಡು ನಾಯಿ ಕಡ್ದವ್ರಿ. ನಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಕಾರಿ, ನಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಕಾರ್ರಿ. ಸುಂದರನಗರ ನಾಯಿ ಬಂದವ್ರಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ ನೀವು. ಹುಂಚೆನೆಟ್ಟಿ ತುಂಬರಿ, ಇದೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದಿಲ್ಲ, ಹುಂಚೆನೆಟ್ಟಿ ತುಂಬ ನಾಯಿ ಅದಾವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಮಂದಿನೂ ಆ ಮಂದಿನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವ್ರಿ. ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಹೇಳೇವ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗೈತ್ರಿ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ರಿ. ಹಾಂ, ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ, ನಮಗೆ ಹಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇವ್ರ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೇವ್ರಿ. ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಪಂಚಾಯತ್ ಗಲ್ಲಿಕೆ ಲೈಟಾ ಗೈಸ್ ಹೋಯ್ ಕುತ್ತೆ ಚಾಬನೆ ಲಗೈ ಬಚ್ಚೆಂಕು ರಾತ್ ಕೋ ಅರ್ಬಿ ಕುಜಾ ಕೋ ಆತೈ ಮಸ್ಜಿದ್ ಸಿ ಬಚ್ಚೆ ಬಚ್ಚೆ ಆಕೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ದುಕಾನ್ ವಾಲೆ ಕಾ ಮೊಬೈಲ್ ಲೇಕೋ ಹಮ್ನ ಫೋನ್ ಲಗಾ ರಹಿ ಬಚ್ಚೆ ಅಮ್ಮಿ ಹಮೇ ಅರಬ್ಬಿ ಸಿ ಆಯಾ ಕಹಿ ಬಂದ್ರೆ ಹಮೇ ಬುಲಾನೆ ಜಾ ರಹೇ ಉನ್ಕೋ. ನೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿದು ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬುಲಾಯ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಲೆಂಕು कुत्ते ज्यादा दिस रहे हुंचंटी गांव में, वो सुंदर नगर के लोग आए तो उसे तो कुत्ते ज्यादा हुए सो है, और बड़े आदमी बच्चे सब कुछ आप रही, और लड़की कुत्ता चाप कुछ मरी, लड़की कुत्ता चाप कुछ मरे सो है. देखो जरा क्यों जरा जहाँ स्लिप करो, बड़े को पकड़ रहे, बड़े को पकड़ रहे. पट्टन पंचायत क्या पट्टन पंचायत, क्या भी पंचायत का फायदा नहीं, पहला पंचायत ग्राम पंचायत नहीं, क्या भी बोले तो टैक्स भरो यो भरो पट्टन पंचायत ये पंचायत ग्राम पंचायत क्या कर रहे हैं. कल जुम्मा को एक महीना हुआ छोरी को कुत्ता चाप को, अभी तक कोने का कुत्ता भी आपको नहीं पूछा क्या छोरी क्यों है कर को बोल को. आशा वर्कर आए गए खलास, क्या करें ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಾರ ಏನು ಒತ್ತಾಚೆ ಬಿ ದೂಸರ ಕುಚ್ಚ ಬಿ ನೀ ಲೇನಾಜಿ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಗಾಯ ಕರ್ಕೋ ಬೋಲೆ ತೋ ಕ್ಯಾ ಬಿ ಏಕ್ ಬೋಲೋ ಕ್ಯಾ ಬಿ ಏಕ್ ಬೋಲೋ ಹುಂಚೆ ನಟ್ಟಿ ತುಂಬಾನು ನಾಯಿಗಳದಾವ್ರಿ, ಹುಂಚೆ ನಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ನಾಯಿಗಳದಾವ್, ಹುಂಚೆ ನಟ್ಟಿಂದ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ. आज आजाद नगर में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में आने के बाद कई सहूलतों का ऐलान किया गया है, जिसमें खासकर हर घर महीना 200 यूनिट बिजली मुफ्त और हर घर महीना 2000 रुपए दिए जाएंगे. इसको ग्रह ज्योति और ग्रह लक्ष्मी का नाम दिया गया है. आजाद नगर में कई सारे कार्ड तकसीम किए गए. वाजा रहे कांग्रेस की जानिब से नॉर्थ के लिए आसिफ राजू सेठ को उम्मीदवारी मिलना तय माना जा रहा है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस की जानिब से ग्रह लक्ष्मी और ग्रह ज्योति कार्ड तकसीम किए गए और इन्हें भरे भी गए. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.